लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव पे, दैट मींस कि आज का जो लेक्चर है वो गवर्नर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 152 का। देखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव को लेकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो है पार्ट सिक्स में। पार्ट सिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है वो डील करता है एक आर्टिकल से, जो है आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 कहता है दोस्तों कि स्टेट शब्द का मतलब पार्ट सिक्स के लिए हर वो स्टेट होगा जो भारत के अंतर्गत है बट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं जो चैप्टर टू है, जिसका जो प्रोविजन है वो है 153 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 153 आर्टिकल क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा। ठीक है, पहला बात। लेकिन इसका प्रोविजन क्या कहता है दोस्तों कि एक गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, गवर्नर के तौर पे किसी अन्य राज्य के लिए। ठीक है, कहने का यह मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गवर्नर के तौर पे। यह प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल 153 इसके लिए हम लोगों को देखना होता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 154 पे। आर्टिकल 154 क्या कहता है ये समझिए कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है स्टेट का, ठीक है, वह एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज किसके द्वारा होगा, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज, ठीक है, किसके द्वारा होगा। तो 154 आर्टिकल के अनुसार गवर्नर के द्वारा होगा। कैसे होगा? तो पहला, डायरेक्टली बाय द गवर्नर, दूसरा बाय द सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट नंबर टू के अनुसार जो ऑफिसर सबॉर्डिनेट हैं, ठीक है, तो इस ऑफिसर सबॉर्डिनेट के अंतर्गत स्टेट के मिनिस्टर्स भी इंक्लूड होंगे। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? इंपेरर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी के केस में। क्लियर है। अब आइए इसके साथ साथ आर्टिकल 154 के साथ साथ हम लोग आर्टिकल 162 को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 162 क्या कहता है दोस्तों कि जो भी पावर होगा एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का, उसका एक्सटेंशन क्या होगा। ठीक है, दैट मींस कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर कहां तक एक्सटेंड करता है, तो इसके लिए हम लोगों को आर्टिकल 162 देखना होता है। आर्टिकल 162 के अकॉर्डिंग जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है हर उस मैटर पे एक्सटेंड करेगा जिस मैटर को लेके स्टेट लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सके। दैट मींस कि यहां पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस किस मैटर पे एक्सटेंड कर रहा है, तो जो मैटर कंकरेंट लिस्ट में है और स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां जो लिस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है इसके लिए हम लोगों को कौन सा शेड्यूल देखना होता है? शेड्यूल 7। क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल 155 में। देखिए, 155 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो किसके द्वारा होगा? तो यहां पे गवर्नर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर। ठीक, क्लियर। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 156, वो क्या कहता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के ऑफिस का कितना टर्म होगा, इसको लेके आर्टिकल 156 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि जो गवर्नर अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं वो एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहां पे इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब गवर्नर को उनके पद से हटा सकता है। तो यहां पे जो प्रेसिडेंट को पावर ऑफ प्लेजर मिला है कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन से आर्टिकल के अनुसार मिला है? आर्टिकल 310 के अनुसार मिला है। ठीक है, लेकिन यहां एक पॉइंट नोट करने वाली बात दोस्तों क्या है कि यहां जो प्लेजर का पावर मिला है गवर्नर को, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन है। और इस कंडीशन को या फिर यूं कहिए कि इस कंडीशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 311 में है। ठीक है, क्लियर। दूसरा, कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट अपने पद से हटा नहीं गवर्नर के द्वारा, तो वो अपने पद पर कितने वर्षों के लिए बना रहेगा? तो 5 वर्षों तक के लिए वो अपने पद पे बना रहेगा। किस डेट से? जिस डेट से वो एंटर किया था गवर्नर के रूप में। ठीक है, क्लियर है।
अब तीसरा पॉइंट नोट कीजिए आर्टिकल 366 को लेकर, क्या दोस्तों, कि अगर मान लीजिए गवर्नर को, गवर्नर यह चाहता कि नहीं हम अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकता है, बट उसको लिखित में रेजिग्नेशन देना होगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 157, वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को अपॉइंट करना है गवर्नर के रूप में तो उस व्यक्ति का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा कि उसका एज 35 वर्ष पूर्ण चुका हो जिस डेट को उसका अपॉइंटमेंट होना है गवर्नर के तौर पे। यही दो क्वालिफिकेशन बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 157 में। क्लियर, अब आते हैं 158 आर्टिकल क्या कहता है। 158 कहता है दोस्तों आर्टिकल कि जो कंडीशन है, मतलब कि गवर्नर अपने पद पे बनेंगे या पद पे बने रहेंगे तो सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है देखिए, पहला कि जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो रहा है गवर्नर के तौर पे वह व्यक्ति पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी एक हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्लियर है, या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि वह स्टेट लेजिस्लेचर का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तीसरा कि वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स कि जब व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ गवर्नर के तौर पे तो उस टाइम वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, क्लियर है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कैसे डिटरमाइंड होगा, क्या हम किस ऑफिस को कहेंगे कि वह ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो इसको लेके कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, कुछ ग्राउंड्स है जिसके थ्रू हम ये तय करते हैं कि वह ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। पहला क्या है कि जो भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट उस ऑफिस पे हो रहा है जो डेजिग्नेटेड है एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वहां पे उस ऑफिस पे उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करने का पावर क्या गवर्नमेंट को है, उस ऑफिस से रिमूव करने का पावर क्या गवर्नमेंट को है, या उस कोई व्यक्ति जो उस ऑफिस में है वो किसके लिए काम करता है, क्या गवर्नर के लिए, माफ कीजिए, क्या वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो ये कुछ फैक्टर है जिससे तय होता है कि कोई ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं, क्लियर। आर्टिकल 158 में और भी कुछ बातें कही गई हैं दोस्तों, वो क्या है कि जो प्रेसिडेंट को, जो माफ कीजिएगा, जो गवर्नर को जो सैलरी, जो अलाउंसेस, जो प्रिविलेज मिलेगा, ठीक है, ये तय कैसे होगा और कितना मिलेगा, ये तय होगा पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा, ठीक है, क्लियर। और जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती है तब तक शेड्यूल सेकेंड के तहत उसको सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब आइए आर्टिकल 159 क्या कहता है। आर्टिकल 159 कहता है दोस्तों कि अगर मानिए कि गवर्नर अपने ऑफिस में इंटर करेगा या अपना पदभार संभालेगा तो उनको इससे पहले ओथ लेना होता है, ठीक है, तो यहां पे गवर्नर अपने ऑफिस में इंटर करने से पहले किसके समक्ष ओथ लेंगे, ठीक है, तो कंसर्निंग स्टेट के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बिफोर अगर वो उपस्थित नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जो जज होंगे उस हाईकोर्ट के, उनके बिफोर शपथ लेना होगा, उनके बाद ही वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, क्लियर है। आर्टिकल 159 कहता है ये बात, क्लियर। तो यहां जो ओथ का जो फॉर्म है, ठीक है, ये प्रोवाइडेड है, और या फिर इसके लिए हम लोगों को शेड्यूल 3 देखना होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्लियर। अब आते हैं जो नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 160, वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि गवर्नर का जो टर्म था 5 ईयर वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, और मीनवाइल गवर्नर का डेथ हो गया, ठीक है, तो यहां पे जो गवर्नर का जो ऑफिस है, ठीक है, या फिर जो गवर्नर का जो कार्य है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो ये तय कैसे होगा, क्योंकि देखिए जब लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस, ठीक है, किसी भी कारण से वैकेंट हो जाता है, यहां पे किसी भी कारण से यह मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट बीमार है, तो अगर ये सब कोई कारण बनता है तो फिर प्रेसिडेंट का जो पावर है वो एक्सरसाइज होता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, तो
गवर्नर को लेके स्टेट में कोई डिप्टी गवर्नर या वाइस गवर्नर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 160 की आर्टिकल के अनुसार अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हुआ, ऐसा कोई कॉन्टिंजेंसी अराइज हुआ, तो गवर्नर का जो फंक्शन है वो डिस्चार्ज होगा उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, जिस व्यक्ति को तय किया जाएगा प्रेसिडेंट के रूल्स के अनुसार। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट जो रूल्स बनाएंगे उस रूल के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम आएगा वही व्यक्ति डिस्चार्ज करेगा गवर्नर के फंक्शंस को इन सर्टेन कंटिंजेंसी, और वो कंटिंजेंसी जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट मीन्स पार्ट 6 में नहीं किया गया है। क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल 161। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 161 में क्या बताया गया है कि जो गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है उसको लेके है। तो सबसे पहले जो गवर्नर को क्या क्या पावर मिला है 161 के अनुसार, ये देखिए, पहला पार्डनिंग पावर मिला हुआ है। क्लियर। तो पावर ऑफ पार्डन में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हुआ तो उस सजा से उस व्यक्ति को कंप्लीटली एब्सोल्यूटली एब्सॉल्व कर देना, ठीक है, दैट मींस कि पूरा का पूरा सजा माफ कर देना ही होता है पावर ऑफ पार्डन, और ये पावर मिला है गवर्नर को, ठीक है। लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता है। क्लियर। या फिर अगर कोई पनिशमेंट सुनाया गया है उसको ऑफेंडर को बाय द लॉ, ठीक है, या फिर यू कह लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस सुनाया गया गवर्नर को बाय द कोर्ट मार्शल, तो उस कोर्ट मार्शल कोर्ट ऑफ मार्शल के द्वारा जो सजा हुआ है, सजा दिया गया है व्यक्ति को, ऑफेंडर को, उस सजा में गवर्नर अपना पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर। कम्यूट का मतलब क्या होता है कि कम्यूट में क्या होता है दोस्तों, पावर ऑफ कम्यूट का यह मतलब हुआ कि अगर कोई ऑफेंडर को सजा सुनाया गया है रिगरस इंप्रिजनमेंट का, तो यहां पे क्या होता है कि जो सेंटेंस के नेचर को ही बदल दिया जाता है। रिगरस सेंटेंस को सिंपल इंप्रिजनमेंट, रिगरस इंप्रिजनमेंट को सिंपल इंप्रिजनमेंट में कर दिया जाता है। कम्यूटेशन का यह मतलब होता है। क्लियर। रिमिट का क्या मतलब होता है कि रिमिट में सेंटेंस के नेचर को बदला नहीं जाता है, ठीक, क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, जैसे 10 ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट रिड्यूस टू 5 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, ठीक है। लेकिन कम्यूट में क्या होता है, सेंटेंस के नेचर को ही बदल दिया जाता है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कन्वर्टेड टू सिंपल इंप्रिजनमेंट। क्लियर है। अब आते हैं जो चौथा है वो है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है कि किसी स्पेशल ग्राउंड पे, ठीक है, कम सजा सुनाया जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के ग्राउंड पे किसी महिला ऑफेंडर को सजा कम होता है। क्लियर है। अरे पावर 161 के तहत गवर्नर को है और 72 के तहत प्रेसिडेंट को है। क्लियर है। उसके बाद है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है दोस्तों कि जो डेथ सेंटेंस है उसको टेम्परली सस्पेंड करने का जो पावर है उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ रिप्राइव, और ये पावर गवर्नर को भी है, ठीक है। और सस्पेंशन का मतलब होता है स्टे लगा देना सेंटेंस पे, सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पे स्टे लगाने का भी पावर है गवर्नर को 161 के अनुसार, ठीक है। अब यहां पे 161 जब हम लोग देखते हैं तो इसके लिए दो जो इंपॉर्टेंट केस है वो क्या है, इपुरु सुधाकरन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इपुरु सुधाकरन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस में दोस्तों क्या कहा गया कि जो पार्डनिंग पावर है टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 ये सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू है। क्लियर है। यही बात कहा गया था इपुरु सुधाकरन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में। क्लियर है। और जो नेक्स्ट है 162, जिसका हम लोग जिक्र किया कि एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का उसका एक्सटेंशन के बारे में है, तो हर उस मैटर पे होगा जिस मैटर को लेके स्टेट लेजिस्लेचर एम्पावर्ड है टू मेक लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर का, ठीक है, वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है। यहां पे 162 आर्टिकल को लेके भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जैसे राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है टू डिफाइन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। और इसके साथ साथ हमको एक और केस देखना होता है जो है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। क्लियर। अब ये जो जो गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल है, ठीक है,
जिसका जिक्र पार्ट सिक्स में नहीं किया गया, लेकिन गवर्नर से रिलेटेड है, गवर्नर का ये पावर है, वो है आर्टिकल 213 के अनुसार क्या है, गवर्नर को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्राप्त है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर का जो जो स्टेट असेंबली होता है वह सेशन में नहीं है, क्लियर है, या जो जिस राज्य में दोनों हाउसेस हैं, ठीक है, काउंसिल और असेंबली, वो दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है, और ऐसा सर्कमस्टेंस अराइज हो गया, ठीक है, जिससे गवर्नर को यह लग रहा है कि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, तो ही गवर्नर जो है अपने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का एक्सरसाइज करके कोई लॉ इनेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी ऑर्डिनेंस इश्यू होगा गवर्नर के द्वारा उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों पॉइंट नोट करने वाली यह बात है कि यहां पर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है गवर्नर का, ठीक है, एक्चुअली में इस पावर को एक्सरसाइज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, क्लियर है, जो राज्य के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये पावर का एक्सरसाइज होता है, सिर्फ गवर्नर उनके रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, क्लियर है। दोस्तों बहुत बातें हो सकती है गवर्नर को लेके, जैसे गवर्नर का क्या क्या पावर है, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल पावर गवर्नर का क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ठीक है, क्लियर है। और हम लोग को ये भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर में क्या अंतर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां एक पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिए आप लोग कि गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है लेकिन प्रेसिडेंट को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है, ठीक है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और यहां पे यह पावर गवर्नर का ब्रॉड है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू द प्रेसिडेंट, क्लियर है, जिसको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का और प्रेसिडेंट का, क्या है डिस्क्रिशनरी पावर और दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या अंतर है, क्लियर है। लेकिन जहीं हम लोग देखते हैं 161 आर्टिकल को, तो पार्डनिंग पावर पे जो गवर्नर का जो पावर है पार्डनिंग पावर वो थोड़ा सा नैरो है एज कंपेरिजन टू दी प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डनिंग, क्लियर है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नर से रिलेटेड। तो दोस्तों लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज इस लेक्चर हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट सेकंड ऑफ द पार्ट सिक्स देखा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हम लोगों ने गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन को डिस्कस किया 152 से 162 और 213 क्या कहता है ये हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने केस लॉज देखा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्जीक्यूटिव को लेके। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।